कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज है सैटरडे, मेरे हस्बैंड की वैसे छुट्टी रहती भी है नहीं भी रहती है, तो आज वो घर पे ही थे क्योंकि आज हमें बहुत सारे काम थे, बहुत सारे काम में शॉपिंग करनी थी और इनकी एक मीटिंग थी तो वहाँ भी हमें जाना था, दो जगह जाना था हमको। मतलब आज घर पे भी भारी बात है ना का, तो बहुत कुछ सोचा था लेकिन जो सोचा वो ना पानी में डूब गया। पानी में डूब गया, देखा मेरे बेटे ने कितना अच्छा मुहावरा बोला, पानी में डूब गया क्योंकि क्योंकि बारिश आ गई, क्योंकि चलने लगी हमारी दिल्ली है इस टाइम पानी पानी हो गई है क्योंकि इतनी बारिश हो रही है रात से। रात से इतनी बारिश हो रही है कि पिज्जा भी नहीं ऑर्डर कर पाए। क्या नहीं ऑर्डर कर पाए? पिज्जा। पिज्जा भी हम ऑर्डर नहीं कर पाए, हम पिज्जा ऑर्डर कर रहे थे, अब कैसे कर पाएंगे। हाँ हाँ जी, कल संडे है, कल रक्षाबंधन है तो उसके लिए हम शॉपिंग करने जाते हैं। हाँ जी, सब बताएंगे सब दिखाएंगे कल तक मैं कंप्लीट कर लूँ बात। तो जैसे कि बता रही हूँ कि हमारी दिल्ली जो है पानी पानी हो गई है, इस टाइम बहुत तगड़ी वाली बारिश हो रखी है। इतनी बारिश हो रखी है कि कभी हमारे एरिया में पानी नहीं भरता था, कभी नहीं भरता था, लेकिन अब इतना 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 पानी भर गया है कि कोई भी मतलब पैदल चलने वाला नहीं जा सकता बाहर, गली के बाहर भी। तो शॉपिंग तो करनी है, चाहे भीगते हुए करनी पड़े, चाहे सामान तो लाना है, त्योहार है कल, फेस्टिवल है, बनाना ही बहुत जरूरी है। तो देखते क्या होता है। अभी भी थोड़ी देर के लिए रुकी थी, धूप भी हो गई थी, लेकिन अब इतनी तेज बारिश हो रही है बहुत ज्यादा। और मेरे जो कपड़े आपको दिखाती हूँ कितनी तेज बारिश हो रही है, जल्दी आई कितनी तेज बारिश हो रही है। आपने देखा कि पूरी क्या गली भर चुकी है। हाँ, और कितनी क्या हो रही है, क्या हो रहा है? हाँ, बाहर गली किससे भर गई? पानी से। क्या हो रही थी बताओ उनको कि आपने देखा, बताओ आपने देखा। क्या देखा? पानी, पानी की भीड़ लगी हुई थी। पानी की भीड़ लगी हुई थी, आपने कहीं पानी की भीड़ नहीं देखी होगी, अब देख ली होगी। तो ऐसी कभी हमारी गली कभी नहीं भरी जैसे आज हमारी गली भरी है। देखो त्योहार के दिन कैसा हुआ, कितने काम वाले, कितने मतलब शॉप वाले, सबका काम हो गया। और बारिश और हम पकोड़े ना बनाए, ऐसा हो सकता है कभी? तो हमारे पति देव जी पकोड़े बनाने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब मैं भी कर रही हूँ, खाली दिखावा करते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी कर लेती हूँ, आप आलू वालू कटिंग कीजिए। हाँ जी, दुनिया में हमारे जो जहर है जीवन को पीना ही पड़ेगा। यार पकौड़े मुझे बिल्कुल बहुत अच्छे लगते हैं, खास करके जब बारिश वगैरह हो रही हो तब। तो आज आलू, प्याज, मिर्च और बैंगन के पकौड़े बनाए जाएंगे
बैगन के पकौड़े मैंने खाऊंगी वो मैं अपने लिए बनाऊंगा आयरन होगा उसके अंदर आयरन तो चलिए बना लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में ठीक है अब बच्चे ये रहे मेरे दोनों बहुत प्लानिंग थी कि बाहर जाएंगे हाँ जी हाँ जी तो ये आप बेसन फेंट रहे हैं मैंने ये सब कुछ तैयार करके दिया है बस चम्मच इन्होंने हिलाई है हाँ बोलो 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 मेरे अंदर कमी निकालने वाले हो अभी तुम ये मैंने किया है इसके अंदर सब कुछ मैंने डब कर दिया है चाय मैंने चढ़ा दी है बस ये अपनी मर्जी से इसमें आपने देखा होगा इस टाइम मेरी हालत वैसी है एक मुजरिम जो जज साहब के सामने खड़ा है और जज साहब से यूं नहीं कह सकता कि हाँ जज साहब जो आपने फैसला सुनाया वो गलत है मेरा फैसला मैंने क्या फैसला सुनाया मैंने तो सच बताया जी मैंने ये सब काम किया हाँ जी ये इन्होंने काटा है ये कटिंग इन्होंने की है ये मैं ये तो आपके सामने कर रहे थे तो बोला था ना मैंने सब करके लिया है नहीं 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 ये मैं झूठ नहीं बोलूंगी ये कटिंग इन्होंने की है मैंने बेसन निकाला फिर डोंगे में डाला फिर नमक मिर्च और सोडा वोडा सब डाला सोडा अरे क्या बोलते हैं उसको व्हाइट सोडा क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा इधर मैंने चाय चढ़ा दी ये देखिए मेरी चाय चढ़ी गैस पे चढ़ गई अपने आप ही अब इस पे हम ऑयल डालेंगे तो ऑयल डालिए इसमें अब ऑयल डाल दिया है देखिए तो आप अभी कुछ कह रहे थे किसमें फ्राई हो सकते हैं पकोड़े पानी में फ्राई हो सकते हैं तो ट्राई करते हैं ना फिर क्यों ये ऑयल क्यों डलवाया तुमने मनोज नहीं मनोज के साथ हम गए नहीं थे मनोज वो क्या बोल रहे थे उसकी मिसेस हमारे भैया पानी में सब्जी बना देते हैं ऑयल पे एक बूंद भी नहीं डालते पकौड़े भी पानी में फ्राई कर देते हैं बोला मनोज तो देख रहा होगा ये वीडियो हाँ भैया देख रहे होंगे और हंस रहे होंगे भाभी को जरूर भी गई हो तो चले बस बना लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे ठीक है जी हाँ जी बाय बाय टेक केयर नहीं मिलते हैं अभी बाय बाय नहीं और ये हमारी बन गई गर्मा गर्म पकौड़ी वैसे ये आयु खाता है खाली आलू वाली और हम भी टेस्ट कर लेंगे तीसरा थोड़ा ना खाएगा वो बच्चों का हाथ मारने वाली बताओ ऐसे बोलते हैं हम किसी माँ को माँ माँ ओ मेरी माँ अरे मैं रो रही हूँ गाना गा रही हूँ चलो हम दूसरे वाला डालते हैं जो प्याज और मिर्च का है ठीक है ये बन चुका है और अब ये हैं बैगन के पहले आलू के थे और ये हैं बैगन के छोटे से बैगन का बनाया जो कि यही खाएंगे हम नहीं खाएंगे मुझे बहुत आयरन होता है भाई साहब बैगन के बिल्कुल पसंद नहीं और हमारे इसके बाद लास्ट आलू प्याज के बस हाँ जी बस ये है मिक्स आलू है क्या कर रहे हो और गाइस हमारा इवनिंग स्नैक्स रेडी है पकौड़े बनाए मैंने बहुत मेहनत करी है पसीना पसीना हो गया लेकिन लेकिन क्या लेकिन कुछ कहना चाहेंगे आप भी खा लीजिए बड़ी मेहनत से बनाए हैं मैंने ये पकौड़े याद है आपको कि मैंने एक बार खाना बनाया था तो उन्होंने क्या बोला कि मैंने बनाया है तो मैंने ही बनाया ना सिर्फ खिलाया था तो ऐसे आज पकौड़े मैंने बनाए आप भी खाइए ये देखिए गाइस ये कितने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पकौड़े आलू प्याज के आलू के बैंगन के चाय मैंने बनाई रेड केचप के साथ चल रहा है पापा ने क्या पकोड़े बनाए थे और बच्चे पकोड़े किसने बनाए हैं पापा ने देखा बच्चे बन के सच्चे चलो गाइस एंजॉय करते हैं और मम्मी ने चाय बनाई है बस मम्मी ने चाय बनाई तो हम शॉपिंग करके आ गए हैं और ये देखो मेरी डॉल मतलब अब हम कितने बजे गए थे हम साढ़े आठ नौ बजे ना साढ़े आठ नौ बजे गए थे हम मार्केट क्योंकि मम्मी भी तभी आई थी रात भी हो चुकी है हम यहाँ पर साढ़े दस पौने ग्यारह बजे घर में घुसे हैं और भीड़
की वजह से लेट हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली है। भीड़ बहुत थी, जाम बहुत था, बहुत ज़्यादा जाम था। ज़्यादा ही देर हो चुकी है, ज़्यादा देर शुरू हो चुकी है। कितना टाइम हो रहा है और शॉपिंग क्या करिए, वो सब मैं आपको कल रेडी होंगे तो तभी देख लेना आप। और अभी मैंने J4 जोकर की ड्राइंग करी है। तो बस अब सोने का टाइम हो रहा है, सो रहे हैं क्या? 12 बज रहे हैं मेरे ख्याल से ना। नहीं 12 नहीं बज सकते इतने मिनट में, 12 तो बजते तो बहुत समय होता। और कल मेरे अच्छे बाबू भी है, भी दोनों अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे सुंदर सुंदर, वही वाले जो बुआ ने हमें दिए थे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग रक्षाबंधन का ही होगा। और तब तक के लिए मैंने अभी जोकर की ड्राइंग भी करी है। बाय 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 बाय, बंदूक देख रहे हो, इसे मारूंगा।